Assalamu alaikum students, I am Ms. Zainab, your science teacher. Today I am going to deliver lecture on Unit 7, Electricity and Energy. Now I am starting from short question of this chapter, topic 1, Energy Errors. Question 1, what is Sankey diagram? Sankey diagram kise kehte hain? Sankey diagram is a simple way of showing energy conveyance and where does energy go. ये एक सिंपल वे है एनर्जी कन्वेयन को शो करने में. इसमें हम ये बताते हैं कि कौन सी एनर्जी यूजफुल है, कौन सी वेस्टेड है. क्वेश्चन 2, अ लाइट बल्ब इज़ ओनली 80% एफिशिएंट, व्हाट डज दिस मीन? कि एक लाइट बल्ब जो सा है वो सिर्फ 80% एफिशिएंट है, इसका क्या मतलब हो सकता है? सो इट मीन्स डैट ओनली 80% एनर्जी इज़ कन्वर्टेड बाय द बल्ब इंटू लाइट. इट मीन डैट के जो एनर्जी है वो सिर्फ 80% लाइट में कन्वर्ट हो रही है एंड द रिमेनिंग 20% लॉस्ट एज हीट एनर्जी. और जो बकाया रिमेनिंग 20% है वो लॉस्ट एनर्जी की फॉर्म में लॉस्ट हो रही है. क्वेश्चन 3, लुक एट द सैंकी डायग्राम्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सीज सर्किट बिलो, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस फॉर द. अब हमने बताना है कि अगर सैंकी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो नीचे उसने 3 पॉइंट्स दिए हैं, इसके हमने एनर्जी चेंजेस बताने हैं. जैसे कि सबसे पहले क्या है, मोटर. अब मोटर में सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू काइनेटिक मूवमेंट, हीट एंड साउंड एनर्जी. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक, यानी कि जब मोटर स्टार्ट होगी तो उसमें मूवमेंट पैदा होगी, जब मूवमेंट आएगी तो वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी. सेकेंड, जब मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो उसमें हीट प्रोड्यूस होने लग पड़ेगी क्योंकि उसमें फ्रिक्शन पैदा हो रही है, तो हीट एनर्जी पैदा होगी. उसके बाद और जब जाहिर है जब लोहे की चीज़ आपस में टच होती हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है. तो इट्स मीन के एनर्जी कौन सी फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, साउंड में. यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी 3 एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है, जैसे कि काइनेटिक में, हीट में एंड साउंड में. इसी तरह अगर हम लैंप पर देखें तो लैंप में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट, एक तो लाइट में कन्वर्ट हो रही है और सेकेंड हीट एनर्जी में, क्योंकि जब बल्ब ऑन होता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है. थर्ड क्या है, बेल. बेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एंड काइनेटिक मूवमेंट एनर्जी. ठीक है, ऑब्वियसली बेल जब बजती है तो उससे साउंड भी पैदा होता है और मूवमेंट भी पैदा होती है, तो इट्स मीन के इसमें साउंड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है. टॉपिक पावर सप्लाइज एंड वोल्टेज. क्वेश्चन 1, पार्ट 1, व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज किसे कहते हैं? ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट नीड अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू फोर्स द करंट टू फ्लो. जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसे एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है जो करंट को फ्लो कर सकें. सो दिस ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ करंट इज कॉल्ड वोल्टेज. तो जो ड्राइविंग फोर्स अप्लाई होती है करंट को फ्लो करने के लिए उसे वोल्टेज कहा जाता है. जैसे वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंसेस भी कहते हैं या इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी कहा जाता है जो करंट को फ्लो करने में मदद देता है. सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वोल्टेज? वोल्टेज का यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज़ वोल्ट, वी. इसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका सिंबल है. क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी मेड फ्रॉम 3 1.5 वोल्ट सेल्स? एक बैटरी के क्या वोल्टेज होंगे अगर वो 3 सेल से बनी हो, और हर सेल कितने वॉट का होना चाहिए, 1.5 का. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आप 3 इसको 1.5 वॉट्स को 3 टाइम ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. जैसे कि नीचे अगर देखें, 1.5 वॉट को 3 टाइम्स ऐड किया तो आंसर कितना आ रहा है, इक्वल्स टू 4.5 वॉट. सो इट मीन डैट द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी मेड फ्रॉम 3 1.5 वोल्ट सेल इज 4.5 वॉट्स. क्वेश्चन 3, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेयर वोल्टेज? वोल्टेज को मेयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? वोल्टेज इज़ मेयर यूजिंग अ वोल्टमीटर. जो वोल्टेज है वो वोल्टमीटर के थ्रू मेयर किया जाता है. टॉपिक कंट्रोलिंग द करंट. क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस इज एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है डैट मेयर दी हिंड्रेंस, जो कि रुकावटों को मेयर करती है. हिंड्रेंस कहते हैं रुकावट को टू दी फ्लो ऑफ चेंजेस. जब कोई चीज़ जैसे कि करंट के फ्लो में जो भी चेंजेस आते हैं उनके दरमियान जो हिंड्रेंस पैदा होती है उनको मेयर करते हैं. क्वेश्चन 2, ड्रा अ सिंबल फॉर आ रेजिस्टेंस. सिंबल ऑफ अ रेजिस्टेंस नीचे ड्रा है, आपने इसको एज इट इज़ करना है. क्वेश्चन 3,
वाई आर रजिस्टर यूज़फुल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स? जो रजिस्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में क्यों यूज़फुल होते हैं? रजिस्टर आर यूज़फुल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एज दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। जो रजिस्टर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये जो करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि बाई यूजिंग रजिस्टर लाइट अमाउंट ऑफ करंट इज़ फेड टू द डिफरेंट कंपोनेंट्स टू मेक देम वर्क प्रॉपरली। अगर लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, तो जो रजिस्टर्स होते हैं वो वोल्टेज को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो वर्क प्रॉपरली कर सके। क्वेश्चन 4, हाउ डज अ वेरिएबल रजिस्टर डिफर फ्रॉम अ रजिस्टर? एक होता है वेरिएबल रजिस्टर, एक होता है सिंपल रजिस्टर, इनके दरमियान क्या फ़र्क है? अ सिंपल रजिस्टर हैज़ अ फिक्स रजिस्टेंस। जो सिंपल रजिस्टर होता है इसका रजिस्टेंस फिक्स होता है, यानी कि चेंज नहीं होता। वेयर एज अ वेरिएबल रजिस्टर हैज़ अ वेरिंग रजिस्टेंस, जबकि जो वेरिएबल रजिस्टर होते हैं जो इनके रजिस्टेंस हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट थ्रू अ रजिस्टर एंड वोल्टेज क्रॉस इट? आपने रिलेशन यहाँ बताना है कि जब करंट जोन सी है वो एक रजिस्टर में से क्रॉस होती है या जब वोल्टेज उसमें से गुजरते हैं, तो द करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। जो करंट है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है एज द वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर डबल। जब वो वोल्टेज रजिस्टर से गुजरते हैं तो वो डबल हो जाते हैं, सो द करंट आल्सो डबल। तो फिर जो करंट है वो भी डबल ही हो जाती है। टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी इन द होम। क्वेश्चन 1, पार्ट 1, वेयर इज़ मेन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस? मेन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्यूस होती है? मेन्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस एट पावर स्टेशन। मेन इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन में प्रोड्यूस की जाती है बाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज। सेकेंड पार्ट, हाउ डज इट रिच योर होम? ये हमारे घरों तक कैसे पहुँचती है? इलेक्ट्रिसिटी रिचेज आवर होम थ्रू पावर लाइन्स। पावर लाइन्स के थ्रू ये हमारे घरों तक पहुँचती है। क्वेश्चन 2, why it is dangerous to touch wires connecting to the main supply? जो मेन सप्लाई की वायर्स होती हैं उन्हें टच करना क्यों डेंजरस होता है? वायर कनेक्टेड टू द मेन सप्लाईज कैरी लार्ज करंट। जो मेन सप्लाई की वायर्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा करंट होती है। अ पर्सन कुड गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक अपॉन टचिंग दिस वायर। जब कोई इंसान उसे टच करता है तो उससे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल शॉक जो उनसे हैं वो लग सकते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ अल्टरनेटिव करंट? एक होती है एसी और एक होती है डीसी। डीसी डायरेक्ट करंट को कहते हैं जबकि एसी अल्टरनेटिव करंट को कहते हैं। अब अल्टरनेटिव करंट क्या होती है? एन अल्टरनेटिव करंट चेंजेस डायरेक्शन वेरी रैपिडली। जो अल्टरनेटिव करंट होती है वो अपनी डायरेक्शंस को बहुत तेज़ी से चेंज करती है, फ्लोइंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड 50 टाइम्स इन ईच सेकेंड, जो कि हर सेकेंड में 50 टाइम्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड होती है। क्वेश्चन 4, पार्ट 1, हाउ मैनी वायर्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज एंटर टू योर होम? कितनी वायर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से हमारे घर तक आती हैं? द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सप्लाईज 2 वायर्स टू अवर होम। सिर्फ 2 वायर्स हमारे घर तक आती हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की तरफ से। सेकेंड पार्ट, व्हाट आर दिस वायर्स कॉल्ड? इन वायर्स को क्या कहते हैं? वन इज़ द लाइव वायर, एक को लाइव वायर कहते हैं, एंड द अदर इज़ न्यूट्रल वायर, और दूसरी को न्यूट्रल वायर कहते हैं। थर्ड पार्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम? अब इन दोनों वायर्स में क्या डिफरेंस है? द लाइव वायर इज़ अबाउट 230 वॉट्स। जो लाइव वायर होती है वो तकरीबन 230 वॉट्स को कैरी करती है, वेयर एज द न्यूट्रल वायर इज एट अबाउट 0 वॉट्स। जबकि जो न्यूट्रल वायर होती है वो 0 वॉट्स की होती है। क्वेश्चन 5, व्हाट डज एसी स्टैंड फॉर? एसी स्टैंड फॉर क्या है? एसी स्टैंड फॉर हर्ट्ज। टॉपिक सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ कंज्यूमर यूनिट? अ कंज्यूमर यूनिट इज़ एन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट एंटर्स इन अ बॉक्स। ये साइड पे जो पिक्चर है ये आपने देखी होगी, ये हर घर में ही, ये जो फ्यूज हाउस है या कंज्यूमर यूनिट हर घर में ही लगा होता है, जिसके थ्रू पूरी एनर्जी को हम कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द करेक्ट फ्यूज़। एक करेक्ट फ्यूज़ को यूज़ करना क्यों ज़रूरी होता है? टू प्लेस वन दे हैज ब्लोन। अब इसमें क्या है कि इट इज़ वेरी डेंजरस टू यूज़ एनी थिंग अदर देन द करेक्ट फ्यूज़। अगर आप करेक्ट फ्यूज़ की जगह कोई और चीज़ यूज़ करते हो तो ये बहुत ही डेंजरस होती है। जैसे कि अगर कोई चीज़ है, अगर वो
5 एम्पेयर्स की है, उसकी जगह आप 3 एम्पेयर्स का फ्यूज़ लगा दोगे तो जाहिर सी बात है वो चीज़ नहीं चलेगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी चीज़ लगाने के लिए उसका जो फ्यूज़ है वो उसी के रेंज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन व्हाई मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर यूज। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? साइड पे अगर आप पिक्चर देखें तो ये कंज्यूमर बॉक्स के अंदर ये जोन्स होते हैं ना, स्विच बने होते हैं जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं अपने मेन सप्लाई को। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स यूज़ बिकॉज इट इज़ एन ऑटोमेटिक स्विच। ये एक ऑटोमेटिक स्विच होता है विच टर्न ऑफ द करंट व्हेन इट्स गेट्स टू हाई। जब करंट बहुत ज़्यादा हाई होती है तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाते हैं। अनलाइक अ फ्यूज, सर्किट ब्रेकर्स कैन बी रीसेट। जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं इनको रीसेट किया जा सकता है, जबकि फ्यूज़ को रीसेट नहीं किया जा सकता।